किसान आंदोलन के 7 महीने, कई राज्यों में किसानों का प्रदर्शन, नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। पीएम मोदी ने अयोध्या के मास्टर प्लान की समीक्षा की, भव्य और दिव्य नगरी के टाउनशिप प्लान को लेकर दी जानकारी। किसान नेता शिव कुमार का सरकार पर हमला, बोले बंगाल के बाद अगला लक्ष्य मिशन यूपी, बीजेपी के खिलाफ अलग जगाएंगे। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे, राहुल गांधी ने कसा तंज, बोले सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 केस आए सामने, केंद्र ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में, मैं शिवम यादव। सीहोर के आष्टा में मुख्य सड़क की वजह से ग्रामीण पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 दिनों से ग्रामीण सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के बाद भी ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। धुराड़ा समेत 40 गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत काफी ज्यादा खस्ता है। सड़कों के निर्माण की मांग के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम करते हुए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो पैदल मार्च करते हुए अब सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। ठीक है सर, हम पिछले 16 दिनों से खाचरौद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तहसीलदार मैडम, सॉरी नायब तहसीलदार मैडम है, तहसीलदार साहब है, उन्होंने हमें 15 तारीख को धरना स्थल पर जाकर ये आश्वासन दिया था कि हम 7 से 10 दिन में कैसे भी आपके रोड में काम चालू करवा देंगे। लेकिन आज उनके 10 दिन पूरे हो गए हैं और हमें 16 दिन हो गए वहाँ पर बैठे बैठे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासन की ओर से, ना कि शासन की तरफ से हमें कोई आश्वासन मिला है, ना ही हमारी सड़क में काम चल पाया। इसी के चलते हमने आज वही मीजाबंदी सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सीहोर पहुंची। कार्यक्रम के दौरान सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवादियों का साथ देना, देशभक्तों को परेशान करना, साधु संतों को जेल में डालना और गौ हत्या करना, यही कांग्रेस की मानसिकता है। क्योंकि लोकतंत्र की हत्या सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही ही कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या कभी भी देशभक्त नहीं करता। मैंने स्वयं वो दंश झेला है कांग्रेस का, और क्या कारण है कि कांग्रेस ही ऐसा करती है, इसके पीछे भी हमें जाना चाहिए। लोग कांग्रेस कहती है हमारी विचारधारा, तो जाना चाहिए इसके मूल में कि कांग्रेस की वास्तव में विचारधारा क्या है। और कांग्रेस की विचारधारा में जब हम घुस करके देखेंगे तो आतंकवाद का साथ देना कांग्रेस की विचारधारा है, देशभक्तों को जेल में डालना, साधु संतों को जेल में डालना, ये कांग्रेस की विचारधारा है। लोकतंत्र की हत्या करना, 370 जैसे काले कानून को, काले धारा को हटाने के लिए जो दमखम देशभक्तों ने दिखाया, माननीय मोदी जी ने दिखाया, उसको पुनः लगवाने वाले ये कांग्रेस। वहीं भोपाल में कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी के साथ उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए सरकार को महामारी की तीसरी लहर की ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए। नड्डा जी से लेकर जो है छुटवाइये नेताओं तक, पूरी कार्य समिति जो है भारतीय जनता पार्टी के तीसरी लहर से लड़ने के कार्यक्रम को छोड़कर कमलनाथ जी को कोसने में लगी रही। लेकिन इससे क्या होता है, कमलनाथ जी के सत्कार्य जनता की आंखों में चढ़े हुए हैं और जो है सिर चढ़कर बोल रहे हैं। कमलनाथ जी ने 15 महीने में 1000 गौशालाएँ बनाई, क्या बताओगे, बताएंगे शिवराज जी कि आपने 15 साल में एक भी शासकीय गौशाला क्यों नहीं बनाई। उन्होंने जो है आते ही 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, क्या बताएंगे नड्डा जी कि 2008 में वादा किया था 50,000 रुपया किसानों का कर्जा माफ करने का, बीजेपी को क्यों ख्याल नहीं आया 15 से 10 साल तक।
वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं, अफवाह फैलाने की मशीन बन गए, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर देखने को मिलता है। राहुल गांधी को हाइड एंड सीक के अलावा कुछ नहीं आता है। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने भ्रम की स्थिति फैलाई, जिस कारण बहुत बड़ा वर्ग वैक्सीन नहीं लगवा पाया। और क्या कुछ कहा मंत्री सारंग ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर प्रदेश में 8 मामले संज्ञान में आए हैं और लगातार टेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है, सुनिश्चित कर रहे हैं कि वेरिएंट की समय पर टेस्टिंग हो। दिग्विजय सिंह जी, पाकिस्तान परस्त लोग की बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी लगातार र्यूमर फैलाने की मशीन बन गए हैं, अफवाह फैलाओ और मीडिया की सुर्खियों में बने रहो, केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस देश को तोड़ना और समाज को भ्रम की स्थिति में डालना, ये दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का मुख्य किरदार है। दिग्विजय सिंह जी, वहीं सीहोर में आशा ऊषा स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और ये हड़ताल 23 दिनों से लगातार जारी है। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भी खुलकर इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समर्थन दे रही हैं। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने तहसीलदार को एक राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा है। कोरोना काल में इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा काम किया और आम लोगों की काफी मदद भी की। परेशान महिलाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी के साथ सीएम शिवराज के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हमने आज पिछले 1 तारीख से आशा ऊषा कार्यकर्ता धरना पर बैठी है, उनकी विभिन्न मांगों को लेकर उनके समर्थन में हमने आज ज्ञापन दिया है कि आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 2 साल से कोरोना काल 1.5 साल से चल रहा है, उस कोरोना काल में एकदम कोरोना योद्धा की तरह उन लोगों ने घर घर जाकर काम किया है। हम लोग जो लोग डरते थे, पर उन लोगों ने घर घर जाकर उनको दवाई दी है, घर घर जाकर उनने बोला है और जागरूक किया है, उनके आज वो लोग आज रोड पे बैठे हैं। पिछले 1 महीने 20-25 दिन से बैठे हैं वो लोग धरने पे। कल उनने सीएम हाउस का घेराव भी किया था, कुछ महिलाओं को उन लोगों ने जेल में डाल दिया गया है। तो हमने आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आह्वान किया था कि पूरे जिले में आशा ऊषा कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना महामारी में नर्सिंग स्टाफ ने दिन रात एक करके लोगों को सेवा उपलब्ध कराई और उनकी सेवा की है। महामारी की वजह से इंदौर में इन दिनों नर्सिंग स्टाफ को ज़्यादा ही परेशानियों का सामना कर रहा है। इसी सिलसिले में नर्सिंग स्टाफ ने सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की। नर्सिंग स्टाफ ने मांग की है कि गाइडलाइन के मुताबिक यदि कोई भी नर्सिंग स्टाफ अगर 100 दिन से अधिक अपनी सेवा दे चुका है तो उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाए। सरकार द्वारा किसी भी शासकीय अस्पताल में अपनी सेवाएं देता है तो ऐसे नर्सिंग स्टाफ को स्थायी किया जाए। देखिए, वो अस्थायी तौर पर कोरोना में उन्होंने काम किया और बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम किया, क्योंकि उस समय ऐसे स्टाफ की उस समय जरूरत भी थी। सुपर स्पेशलिस्ट नया नया बना था, अब चूंकि कोरोना के पेशेंट कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रिक्रूटमेंट सरकार कर रही है उस नए रिक्रूटमेंट में इनका कहना है कि हमारा कोरोना टीकाकरण और पर्यावरण बचाव का संदेश देने के लिए मंदसौर में साइकिल यात्रा निकाली गई। इस साइकिल रैली में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भी शामिल हुए। इस रैली के जरिए जगह जगह लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा मंत्री के साथ साइकिल यात्रा में कई और नेता भी शामिल हुए। जो लगातार जिस क्षेत्र में कोरोना महामारी को जिस प्रकार से खत्म करके अब आने वाले दिनों में तीसरी लहर को कैसे कंट्रोल की जाए, इसमें वैक्सीनेशन करवाना प्रत्येक व्यक्ति का जो फर्ज बनता है उसमें उत्साह पैदा करना, मैं ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब को धन्यवाद दूंगा कि एनसीसी के छात्रों के साथ जो मंदसौर से नीमच तक करीब 53 किलोमीटर की साइकिल यात्रा जो यहाँ पर प्रारंभ करी उसमें मेरे को भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अगर आप अपने आप से, अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने शहर से और अपने देश से प्यार करते हो तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये संदेश इस साइकिल यात्रा के माध्यम से हम देना चाहते हैं।
भोपाल में कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसी प्रदर्शन की वजह से किसान नेता शिवकुमार कक्का के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगाया गया है। किसानों के इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस की टीम भी सूचना के बाद मौके पर पहुंच गई। वहीं धार के सरदारपुर में बारिश नहीं होने से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। स्थानीय लोगों ने अच्छी बारिश कराने के लिए एक यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए लोगों का मानना है कि इलाके में काफी ज्यादा अच्छी बारिश होगी। लोगों का मानना है कि इस यात्रा से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं इंदौर में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस एक्शन ले रही है। भूमाफियाओं के खिलाफ हुई इसी कार्रवाई के तहत पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। खजराना पुलिस ने दो बड़े भूमाफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। भूमाफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई पर टीम ने बताया कि माफियाओं को कुछ दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है और अब उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। केश वोरा और ओम प्रकाश धर्मानी को गिरफ्तार किया है और ये अभी पुलिस रिमांड पर हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। दीपेश वोरा के हम लोगों ने हस्ताक्षर नमूने भी लिए हैं क्योंकि वो मजदूर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में थे और अध्यक्ष के पद में उन्होंने कई जगह में हस्ताक्षर किए, कुछ बैंक खातों में हस्ताक्षर किए। उस संबंध में भी उनसे पूछताछ की गई है और नमूने भी लिए गए हैं। ओम प्रकाश वाधवानी का भी हम लोगों ने 27 तक का रिमांड लिया है और उसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, इनसे पूछताछ कर रहे हैं और इस संबंध में। वहीं सड़क निर्माण की मांग को लेकर खाचरौद में भी लोग सड़कों पर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी रहने वाले लोग काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सड़क के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि भूमि पूजन के बाद भी निर्माण को अभी तक शुरू नहीं कराया गया है। अगर अब सड़क के निर्माण को पूरा नहीं किया जाता है तो लोगों का कहना है कि 1 जुलाई को और ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में हल्ला बोल संगठन के प्रमुख ने भी इसका विरोध किया है। सीहोर के आश्रम में बिजली के भारी भरकम बिलों से आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो गई है और इन बढ़ते दामों की वजह से लोगों के अंदर बिजली विभाग के प्रति काफी ज्यादा आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि बिजली के इन बढ़ते दामों से वो परेशान हो गए और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शेख रईस के नेतृत्व में स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और इस ज्ञापन के जरिए लोगों ने बिजली के दामों को कम कराने की मांग की है। मैं प्रशासन से और हमारे बिजली विभाग अनुविभाग अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि जो अधिक राशि के इकट्ठी रीडिंग ले लेकर हर माह यही दिक्कत आती है, हर साल हर बार, तो ये बिलों को कम किया जाए और जो रीडिंग ज्यादा होने पर जो रेट ज्यादा लगता है उसको कम किया जाए और सरचार्ज भी माफ किए जाए। धार के कानवन थाना के पास सूदखोरी से परेशान होकर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत पर ग्रामीणों और उसके परिवार वालों ने थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के हंगामे को शांत करवाते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसका कहना है कि इसने पवन ने उससे काफी ब्याज में पैसे लिए थे और जो नहीं चुका पाया उसके लिए इसको प्रताड़ित करता था, घर भी आता था, काफी समय तक घर वालों को भी परेशान करा और उसके बाद में जान से मारने की धमकी भी दी और जब भी मिलता तो उसका जो ब्याज रहता 10,000 का वो हफ्ते का 1,250 ब्याज लेता था और वो ब्याज वापस उसमें ऐड हो जाता था 10,000 में, मतलब उसका ब्याज लगातार बढ़ते चले जाता। उससे पहले भी काफी लोग प्रताड़ित हो चुके थे। मृतक द्वारा एक सुसाइड नोट स्लिप छोड़ी गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं पवन पिता भरतलाल, माँ का नाम मांगी बाई, निवासी कोद रामेश्वर चौहान, मोगिया के कारण ये आत्महत्या। इंदौर के भवनकुआ थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी बीमारी से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने महिला की आत्महत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी, पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हाँ, एक मर्ग हुआ है, मृतिका का नाम है अमरजीत कौर, पति गुरमीत सिंह, उम्र 45 साल, निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग इंदौर की है। ये 23/6 को 5:30 बजे करीब अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर। रतलाम में बीते दिनों हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 19 जून को विलपांग फोरलेन हाईवे पर एक महिला का शव बरामद हुआ। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, इसके बाद जांच के तहत पुलिस हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में सफल हो गई है। इन दोनों ही नाम से जो संतोष भाई से जब सर्च किया तो उसमें लगभग 50 के आसपास ऐसी गुमसुदगियाँ आई जो दर्ज की अभी तक दस्तियाब नहीं हो पाए थे। उनमें किसी टिकट का जानकारी निकालना पुलिस ने शुरू किया। खासतौर से पुलिस ने फोकस किया जो 17 तारीख या उसके आसपास की गुमसुदगी हो, क्योंकि ये महिला कब से गुमशुदा थी किसी को मालूम नहीं था। हो सकता है 1 महीने पहले कहीं से किडनैप किया हो, गुमशुदा हो, फिर हत्या किया हो, इसलिए सारे ही। वहीं रतलाम में ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नाबालिग को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गया। इसके बाद घायल को परिजनों के सुपुर्द किया गया, उसकी घटना की जानकारी दी गई। बाद में नाबालिग को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। फिलहाल अस्पताल में नाबालिग का इलाज किया जा रहा है। ये और इसके दो दोस्त और थे, तो वहाँ पे ये सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी लेते सेल्फी लेने के लिए इंजन पर चढ़ा, इंजन चढ़ के जैसे इसका हाथ किया तो शायद उसका वायर से थोड़ा टच हुआ या उसका झटका लगा तो नीचे गिर पड़ा। और उसके पिताजी खबर मिली, इसके पिताजी आके अस्पताल में भर्ती कराए। यहाँ आके मैंने देखा, इससे पूछताछ करी, इसने भी यही घटना बताई कि मैं ऊपर चढ़ा हुआ था इंजन, मेरे दोस्तों के साथ इंजन पर मैं खड़ा हुआ था, चढ़ा जैसे मैं सेल्फी ले रहा जैसे बिजली का अचानक झटका लगा। वहीं रतलाम के मोमिनपुरा में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। एक मोमिनपुरा में शहीद अंसारी का पुराना मकान का कंस्ट्रक्शन है, जो टूट के नया कंस्ट्रक्शन का निर्माण चल रहा था, जिसमें आज एक मजदूर रामचंद्र जो शिवगढ़ के किसी गांव का रहने वाला है, उसकी पुराना कंस्ट्रक्शन दीवार तोड़ते समय उसके ऊपर एक दीवार का टुकड़ा सिर पे लग गया, जिससे उसकी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।